अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज का जो वीक है उसमें हमने बेसिकली इमेज रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीजें पढ़नी है, और इससे पहले कि हम ये देखें कि यू नो इमेज रजिस्ट्रेशन में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, सबसे पहले मुझे ग्रेडियंट डिसेंट यानी जो ऑप्टिमाइजेशन है, लोकल ऑप्टिमाइजेशन का एक एल्गोरिदम, उसको रिवाइज करना पड़ेगा। और उसके बाद यानी इस लेक्चर में हम ये जो पहला लेक्चर है इसमें हम सिर्फ और सिर्फ ग्रेडियंट डिसेंट की वर्किंग देखेंगे, और उसके बाद इसको रजिस्ट्रेशन में कैसे अप्लाई करना है इसको हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। सो इमेजिन करें कि लेट्स से आपके पास यू नो एक फंक्शन है, लेट्स से उसकी फंक्शनल फॉर्म है वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू होल स्क्वेयर। तो ये यू नो उसका सिंपल सा प्लॉट है। इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होती है यू नो फॉर एक्स इज इक्वल टू, इसलिए कि व्हेन एक्स इज इक्वल टू, सो टू माइनस टू जीरो स्क्वेयर विल बी जीरो। सो इसका मतलब ये कि एक्स इज इक्वल टू पे ये फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू रखता है। अच्छा, सो अब मेरे पास इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए यू नो दो तरीके कार होते हैं। एक तो तरीके कार ये कि यू नो मैं इसकी एनालिटिकल एक्सप्रेशन फाइंड करूं, और दूसरा तरीके कार ये कि मैं इसकी एनालिटिकल एक्सप्रेशन के बजाय मैं इसकी जो अप्रोक्सीमेट फॉर्म है सोल्यूशन की मिनिमम की वो फाइंड करूँ। सो अगर मैं एनालिटिकल सॉल्यूशन की बात करूं, सो इसमें जो सबसे पहली बात होती है वो ये कि मैं यू नो उसका डेरिवेटिव देख सकता हूं। सो फॉर एग्जांपल यू नो अगर आपने सिंपल कैलकुलस पढ़ी तो उसमें हम करते ही थे कि मेरे पास लेट्स से एक फंक्शन है वाई विच इज द फंक्शन ऑफ एक्स, और मैंने अगर उसका मिनिमम फाइंड करना है तो मैं उस वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लूँ उसका और उसको यू नो इक्वेट कर दूँ जीरो पे। अगर मैं ये लेट्स से मेरे पास ये वाई है तो मैं इसका वाई डी वाई बाई डी एक्स लूँ और डी वाई बाई डी एक्स को इक्वल कर दूँ जीरो पे, और जो भी एक्स की वैल्यू आती है मैं ये कहूँ कि वो मेरे पास मिनिमल है। तो फॉर एग्जाम्पल एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर यू नो डी वाई अगर ये है तो डी वाई बाई डी एक्स में आएगा मेरे पास यू नो टू इधर आ जाएगा, सो टू मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस टू, और उसके बाद जो अंदर वाली टर्म है उसका डेरिवेटिव, अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स मेरे पास यू नो जीरो है। राइट, सो इन शॉर्ट जो उसका डेरिवेटिव आएगा वो टू मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस टू। सो टू मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू का मतलब ये है कि यू नो टू एक्स माइनस फोर, इसलिए कि टू पूरी एक्स ही मल्टीप्लाई हो रहा है, टू से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। और अगर मैं इसको यू नो इक्वल टू जीरो रखूँ तो मुझे पता चलेगा कि यू नो टू एक्स इज इक्वल टू फोर, यानी एक्स इज इक्वल टू टू आपके पास इस इक्वेशन से आता है, कि यानी कि जो कि मिनिमम वैल्यू है मेरे पास इस फंक्शन की। यानी मैंने किया क्या, मैंने इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स डेरिवेट किया, और जो भी इसका डेरिवेटिव था उसको इक्वेट किया जीरो पे, और जो भी एक्स की वैल्यू है मैंने कहा यू नो कि वो एक्स की वैल्यू इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है। सो ये तो है एनालिटिकल मेथड। एक और मेथड है मेरे पास जिसको, अच्छा ये एनालिटिकल मेथड तो यू नो सबसे आसान है, आसान इन द सेंस कि अगर आपके पास फंक्शन सिंपल सा हो, यू नो फंक्शनल फॉर्म ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, सिंपल सा फंक्शन है तो मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ। मगर हम आगे जाके देखेंगे यू नो न्यूरल नेटवर्क्स में और यू नो इमेज रजिस्ट्रेशन में भी मेरे पास इस ये जो फंक्शन है इनकी फॉर्म्स बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। यानी इस तरह के नहीं है कि सिंपल एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो मेरे पास फंक्शन अगर कॉम्प्लेक्स हो तो फिर मैं उसको जिसका एनालिटिकल डेरिवेटिव सॉल्व करना पॉसिबल ना हो, सो मैं उसको यू नो अप्रोक्सीमेट मतलब अप्रोक्सीमेट मेथड्स के जरिए भी मिनिमल वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। और जैसे मैंने बताया इसका एक मेथड ग्रेडियंट डिसेंट है, उसको हम अभी देख लेते हैं। सो इन शॉर्ट में होता ये कि मैं इसमें स्टार्ट करता हूँ ग्रेडियंट डिसेंट को किसी भी एक इनिशियलाइजेशन से, लेट से यू नो एक्स नॉट है, एक्स नॉट मेरे पास कोई भी नंबर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यू नो मैंने एक्स नॉट को जीरो से इनिशियलाइज कर दिया, यानी ये लेट से ये वाली जो एक्स नॉट की जीरो जीरो की वैल्यू है यहाँ से। उसके बाद मैंने बेसिकली सिंपल सी एक इक्वेशन इसको इम्प्लीमेंट करना होता है, और ये इक्वेशन करती है कि एक्स नॉट की प्रीवियस वैल्यू को देखते हुए नेक्स्ट वैल्यू अपडेट करती है। सो प्रीवियस वैल्यू लेट्स से अगर जीरो है मेरे पास, तो अब मैंने करना ये है कि मैंने बेसिकली नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट डायरेक्शन पे मूव करना है। ग्रेडियंट मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स है,
मैंने इस ग्रेडियंट को एक्स नॉट पे एवेल्युएट करना है, और मैंने एक प्रोपोर्शनल फैक्टर है यू नो गामा, उस गामा के प्रोपोर्शनल मूव करना है इन द नेगेटिव साइड ऑफ दैट ग्रेडियंट। सो लेट्स से अगर मेरे पास एक्स नॉट की वैल्यू लेट्स से यू नो जीरो है, डी वाई बाई डी एक्स मैंने पहले निकाल लिया था, यू नो टू एक्स माइनस टू, टू एक्स माइनस फोर आता है मेरे पास इसका जो डेरिवेटिव है इस फंक्शन का। सो अब मैंने करना है कि उस फंक्शन को सबसे पहले बारी बारी एक्स नॉट की वैल्यूज पे एवेल्युएट करना है, जो भी एक्स नॉट की वैल्यू लेट्स से मेरे पास जीरो है, सो टू एक्स माइनस फोर बेसिकली मैंने फॉर एक्स इक्वल टू जीरो एवेल्युएट करना है, जो कि मेरे पास कोई ना कोई इसकी वैल्यू आएगी, उसको मैंने एक गामा से मल्टीप्लाई करना है। लेट्स से मैं गामा कह देता हूँ कि यू नो मेरे पास पॉइंट वन है, ठीक है, और इसको माइनस करना है, और उसके बाद मैंने एक्स में ऐड कर देना है, और जो भी मेरे पास ये एक्स इसकी फाइनल एक्सप्रेशन आएगी वो नई वैल्यू हो जाएगी एक्स। सो लेट्स से अगर मैंने एक्स को जीरो से स्टार्ट किया है, यू नो माइनस गामा की वैल्यू मैंने अज्यूम की पॉइंट वन, और इसके बाद जो भी डेरिवेटिव है एट एक्स नॉट, सो डेरिवेटिव मेरे पास क्या था टू एक्स माइनस फोर, और एक्स नॉट पे क्या होगा यू नो टू एक्स माइनस फोर एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो मेरे पास आ जाएगा बेसिकली यू नो जीरो माइनस फोर, माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय यू नो माइनस पॉइंट वन मेरे पास प्लस फोर आ जाता है, और इसको मैं जीरो ऐड करूँगा। सो मेरे पास जो एक्स पिछली वैल्यू अगर एक्स नॉट की जीरो हो तो मेरे पास नई वैल्यू आती है पॉइंट फोर। अच्छा सो जीरो पिछली वैल्यू जीरो थी, अब मेरे पास जो एक्स की नई वैल्यू आई है वो है फॉर एग्जाम्पल पॉइंट फोर, पॉइंट फोर यहाँ पे मेरे पास करके कहीं होगी। फिर मैं यही काम रिपीट करूंगा, सो पॉइंट फोर मैं इधर रखूंगा, मैं कहूंगा अच्छा अब मेरे पास नई वैल्यू एक्स की जीरो पॉइंट फोर है, माइनस करो पॉइंट वन गामा की यानी लर्निंग रेट मेरे पास, इसको वही रखो, एक फैक्टर है मेरे पास यू नो जो कि स्मॉल स्केलर होता है। और अब मैं करूंगा ये कि डेरिवेटिव को डी वाई बाई डी एक्स को जो मेरे पास नया पॉइंट आया था उस पर एवेल्युएट करूंगा, और वो मेरे पास क्या है टू एक्स माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू पॉइंट फोर पे मेरे पास यू नो कोई ना कोई डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी। इस अगर डेरिवेटिव की वैल्यू आती है पॉइंट एट माइनस पॉइंट फोर, और इसको मैं यू नो माइनस पॉइंट वन से मल्टीप्लाई करता हूँ, जो भी वैल्यू आती है उसको मैं ऐड करता हूँ पॉइंट फोर में, तो मेरे पास बेसिकली नया जो पॉइंट आता है वो पॉइंट सेवन टू आता है, ठीक है। सो जीरो से मैंने स्टार्ट किया था, नया पॉइंट मेरे पास पॉइंट फोर आया, उससे अगला पॉइंट मेरे पास पॉइंट सेवन टू आया, इसी तरह करते करते मैं चलता जाऊंगा, तो आप देखेंगे कि यू नो एक्स इक्वल टू पे जाके ये एल्गोरिथम बंद हो जाएगा। अच्छा ये एल्गोरिथम खत्म कैसे करना है इसको हम अभी देखते हैं, मगर इन जनरल आपके पास जो बेसिक अपडेट इक्वेशन है वो एक सिंपल सी, और वो ये कह रही है कि आपने एक पिछला पॉइंट लेना है और डेरिवेटिव को पिछले पॉइंट पे वैल्यूएट करना है, और प्रोपोर्शनल ऐड तो नहीं सबट्रैक्ट कर देना है विद दैट पॉइंट, और आपके पास नया पॉइंट आ जाएगा। बस एक जो इसमें चेक रखना है वो ये कि ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि मेरे पास फंक्शन डिक्रीज हो, तो जो भी वैल्यू है एक्स की यू नो लेट्स से पॉइंट फोर है, सो जो नई वैल्यू एक्स की आ रही है जो कि पॉइंट सेवन टू है, फंक्शन की वैल्यू पॉइंट एट एक्स इजिकल पॉइंट सेवन टू कम होनी चाहिए फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इजिकल पॉइंट फोर से, और पॉइंट फोर की जो वैल्यू है वो कम होनी चाहिए एट एक्स इजिकल जीरो। सो एट एक्स इजिकल जीरो मेरे पास यू नो फंक्शन की क्या वैल्यू थी, वेल एक्स की वैल्यू अगर मैं इधर जीरो पुट करूँ तो मेरे पास आंसर आता है फोर, ठीक है। सो वाई एक्स इजिकल जीरो पे फंक्शन की वैल्यू है फोर, जो नया एक्स नॉट आया है वो मेरे पास आया है पॉइंट फोर, और पॉइंट फोर पे अगर आप वैल्यू देखेंगे यू नो इधर एक्स की वैल्यू पॉइंट फोर डालेंगे तो आपके पास टू माइनस पॉइंट फोर यू नो 1.6 का स्क्वायर आएगा, और 1.6 का जो स्क्वायर बेसिकली यू नो 4 से तो कम ही होगा, ठीक है। सो आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी, और ऑब्वियसली 4 के मुकाबले में ये वाली वैल्यू यानी जो 0.4 पे वैल्यू है वो कम है, ठीक है। इसी तरह 0.72 पे अगर आप देखेंगे तो 0.72 पे अगर आप इधर एक्स की वैल्यू 0.72 पुट करें तो वाई की जो वैल्यू यानी फंक्शन की वैल्यू वो 0.4 के मुकाबले में कम होगी। अगर तो कोई पॉइंट इस तरह आपका आता है कि यू नो लेट से के पुराने पॉइंट के मुकाबले में अगला जो पॉइंट है उस पर फंक्शन की वैल्यू ज्यादा है, तो फिर आपने करना ये कि ये जो लर्निंग रेट है आपने इसको कम करना है। इसका मतलब ये कि आप किसी पॉइंट पे थे, लेट से आप इधर थे, आपने लर्निंग रेट इतना ज्यादा रखा हुआ था कि यू नो वो मिनिमम को एक्सीड कर गया, सो तब आपने ये लर्निंग रेट है इसको यू नो पॉइंट वन था अगर तो इसको आधा कर दें, लेट से 0.05 कर दें, ठीक है। सो ये काम आपने करते रहना है, और ये एल्गोरिथम उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक आपके पास लर्निंग रेट यू नो 0.00001 से कम ना हो जाए, फॉर एग्जांपल यानी एक स्पेसिफिक स्मॉल स्केलर हो जिससे लर्निंग रेट कम ना हो जाए। सो ये जो बात की इसको मैं मजीद एक्सप्लेन किया देता हूँ। सो फॉर एग्जांपल अगर आप एक्स नॉट जीरो के बजाय चलें जीरो से स्टार्ट करते हैं, और मैं कहता हूँ कि लर्निंग रेट यू नो वन के बजाय यू नो 1.5 है फॉर एग्जाम्पल,
अगर तो आप इधर 1.5 पुट करेंगे सो आंसर क्या आएगा जी, -4 मल्टीप्लाई बाय यू नो 1.5 से मुराद ये कि 6। सो आपके पास जो नई एक्स नॉट की वैल्यू आएगी वो बेसिकली यू नो 6 आएगी, और अगर आप 6 देखें तो 6 पे वैल्यू वो तो ग्राफ में नहीं है बाय द वे, मगर ये कि 6 माइनस 2 4 4 स्क्वायर 8 यानी बेसिकली सो 6 माइनस 2 4 और 4 स्क्वायर 8 यानी बेसिकली 6 पे यानी जो एक्स इक्वल 6 है उस पे वैल्यू आपके पास सॉरी 16 होगी, 4 का स्क्वायर 16 है, सो आपके पास फॉर एक्स इक्वल यानी 6 आपके पास वाई इज इक्वल 16 होगा, और ऑब्वियसली वाई इज इक्वल 16 बेसिकली यू नो एक्स नॉट अगर जब 0 था तो एक्स नॉट की वैल्यू थी वाई की वैल्यू थी 4, मगर जब एक्स इज इक्वल 6 है तो अब यू नो वाई की वैल्यू है 16 जो कि ज्यादा है, तो अब मैं करूंगा ये कि लर्निंग रेट को यू नो अगर मेरे पास लेट से पिछली दफा 1 था तो अब मैं 1 के बजाय उसको कम कर दूंगा एक स्पेसिफिक फैक्टर से, यू नो लेट से मैं कहता हूँ कि मैं उसको आधा कर देता हूँ तो उसका मतलब ये कि 1 था तो अब 0.5 हो जाएगा, ठीक है। इस तो अब मैं सारा प्रोसीजर दोबारा से रिपीट करूंगा, मैं कहूंगा अच्छा नहीं 0 पिछली वैल्यू थी अगली वैल्यू रखो बजाय इसके कि 1 थी अब तुम रखो 0.5 और दोबारा से इस फंक्शन को एवेल्युएट करो, अगर मैं 0.5 पे एवेल्युएट करता हूँ तो मेरे पास यू नो कोई नई वैल्यू आएगी। सो आपने बेसिकली कहने का मकसद ये कि ये एक्स नॉट को अपडेट सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में करना है कि नए पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो कम हो पिछले पॉइंट के मुकाबले में, अगर तो नहीं हो रही तो फिर आपने यू नो इस ये जो लर्निंग फैक्टर है गामा इसको कम करके दोबारा से एल्गोरिदम को रन करना। सो ये तो है मेरे पास यू नो इंतहाई सिंपलेस्ट फॉर्म में ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजेशन। सो अब हम आ जाते हैं कि हमने इसको लाइक अपने मशीन लर्निंग के फ्रेमवर्क में या फॉर द टाइमिंग इमेज रजिस्ट्रेशन के फ्रेमवर्क में कैसे अप्लाई करना है। सो इमेज रजिस्ट्रेशन भी मैं बाद में आता हूँ, सबसे पहले तो मैं सिंपल सा एक यू नो 2D एग्जांपल डिस्कस करता हूँ जिसमें हम देखेंगे ये कि किस तरह मेरे पास ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमल वैल्यूज को फाइंड आउट करने में मदद करता है। सो लेट्स से मेरे पास यू नो हाइट और वेट हैं 3 बंदों के, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल ये पहला बंदा है, इसका वेट है 0.5 kg और इसकी हाइट है आई डोंट नो 1.4 इंचेस। इसी तरह ये दूसरा बंदा है, इसका वेट है 2.3 किलोग्राम, ऑब्वियसली kg में तो नहीं होना चाहिए इन एनी केस, सो कोई ना कोई यूनिट है इसका, और इसकी जो हाइट है वो 1.9 इंच है। इसी तरह मेरे पास तीसरा पर्सन है, इसकी मेरे पास 2.9 kg वेट है, 3.2 इंच इसकी हाइट है। अच्छा अब ये 3 पॉइंट्स हैं और आपको कहा यह जाता है कि आपने एक लीनियर लाइन फिट करनी है, यू नो इसको क्लासिकल फॉर्म में लीनियर रिग्रेशन बोलते हैं, हमने एक लीनियर लाइन फिट करनी है और बेसिकली उस लीनियर लाइन के 2 पैरामीटर्स होंगे, एक पैरामीटर होगा m और दूसरा पैरामीटर होगा c, ठीक है। सो अब आपका काम यह है कि आपने ये दोनों पैरामीटर्स फाइंड करने हैं, ठीक है, बेस्ड अपॉन दीज 3 सैंपल पॉइंट्स। अच्छा सो अब बजाय इसके कि मैं 2 पैरामीटर्स फाइंड करूँ ना, सबसे पहले तो मैं अज्यूम ये करता हूँ कि यू नो ये 2 पैरामीटर्स के साथ भी चूंकि थोड़ी ग्राफ कॉम्प्लेक्स बनेगा तो मैं इसलिए m को कॉन्स्टेंट अज्यूम कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई m की एक फिक्स वैल्यू रख लो और सिर्फ c को फाइंड करो फिलहाल। उसके बाद जब मुझे ये समझ आ गया कि मैंने c कैसे फाइंड करना है, फिर मैं दोबारा से आऊँगा और कहूँगा कि चलो ठीक है, और अब ये कि मुझे पता चल गया एटलीस्ट अगर एक पैरामीटर हो मेरे पास यू नो रिग्रेशन में, सो मैंने वो पैरामीटर कैसे फाइंड करना है, जब मुझे ये पता चल गया तो फिर मैं कहूँगा अच्छा ठीक है अब सेम सोल्यूशन को 2D में एक्सटेंड कर दिया जाए। सो सबसे पहले तो हम 1D में आते हैं और इसका तरीक़ेकार ये कि मैं ये कहता हूँ कि भाई तुम इस ये जो इक्वेशन है ना इसमें यानी जो 3 पॉइंट्स हैं उनको उनकी जो लीनियर रिलेशनशिप है उसमें m की कोई फिक्स वैल्यू अज्यूम कर लो, लेट से तुम कहो कि m की वैल्यू लेट से 0.64 है, ठीक है। सो अब m की वैल्यू तो फिक्स रहेगी और मैं c की वैल्यू को चेंज करता जाऊंगा, इसका मतलब ये कि यू नो ये स्लोप जो है मेरे पास नजर आ रहा लाइन का ये 0.64 है और लाइन यानी अब c की वैल्यू चेंज होगी और जैसे जैसे मैं सी की वैल्यू चेंज करूंगा वैसे वैसे मैं देखूंगा कि मेरे पास जो कम्बिनेटोरियल एरर है वो किस तरह चेंज हो रहा है।
ठीक है, सो मैं लाइन के ऊपर लेके आऊंगा, फिर मैं देखूंगा कम्बिनेटोरियल एरर में किस तरह चेंज होता है। ये कम्बिनेटोरियल एरर क्या है ये मैं अभी बाद में बताता हूँ, मगर इन जनरल आपके पास अब बेसिकली स्लोप कांस्टेंट रहेगा और लाइन बेसिकली यू नो अप डाउन शिफ्ट होती रहेगी। सो लेट्स से मैं कहता हूँ कि यू नो 0.64 मेरे पास एम की वैल्यू फिक्स है। हम स्टार्ट करते हैं जनाब जीरो से, यानी मैं अज्यूम करता हूँ कि सी यानी ग्रेडियंट डिसेंट ही फिलहाल मैंने रन करना है, और मैं स्टार्ट ये करता हूँ कि यू नो मेरे पास लेट्स से सी इज इक्वल टू जीरो है। ठीक है, सी इज इक्वल टू जीरो का मतलब ये है कि ये जो वाई इंटरसेप्ट है इस ये जीरो पे इंटरसेप्ट कर रहा है वाई एक्सिस को इस लाइन का। सो अगर तो मेरे पास सी जीरो है, ठीक है, और एम की वैल्यू मैंने 0.64 रखी हुई है, ठीक है, सो पहला जो पॉइंट है जिसके यू नो पहला जो बंदा था जिसका वेट 0.5 kg था, हाइट इसकी 0.1.4 थी, यू नो ये वाला जो पॉइंट था मेरे पास, जो कि मेरे पास ये वाला पॉइंट था, सही है। सो अब मैंने इस पॉइंट के लिए अगर देखना हो कि यू नो अगर मैं एम की वैल्यू को फिक्स कर लूँ और सी की वैल्यू को मैं जीरो से स्टार्ट करूँ, सो मेरे पास जो अब एक्चुअल प्रिडिक्टेड हाइट आती है इस लाइन के हिसाब से वो आएगी यू नो एम की वैल्यू एम मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स मेरे पास 0.5 है, और प्लस जो भी मेरे पास सी की वैल्यू है, मैंने सी की वैल्यू फिलहाल जीरो अज्यूम की हुई है। सो ये जो हाइट आ जाएगी प्रिडिक्टेड, यू नो जो कि मैंने इधर से क्रॉस से मार्क की हुई है, इसकी वैल्यू होगी 0.32। ठीक है, अच्छा अब आपके पास जो एक्चुअल हाइट थी वो 1.4 थी, यानी ये जो पहला बंदा था इसकी मुझे एक्चुअल हाइट भी पता थी, जो कि मुझे पता है कि 1.4 इंचेस है। सो मैंने इन 1.4 इंचेस माइनस 0.32 इंचेस की आप यू नो एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाला, 1.1 आया, सो 1.1 का स्क्वायर निकाल लिया मैंने। सो ये मेरे पास सिंपल एक लॉस निकाला है, और ये लॉस यू नो स्क्वेयर्ड लॉस है फॉर अ सिंगल पॉइंट। ये काम मैंने रिपीट करना है तीनों पॉइंट्स के लिए, यानी दूसरे पॉइंट को मैंने देखना है सेम स्टोरी रिपीट करनी है कि यू नो अगर मेरे पास एक्स की वैल्यू दूसरे पॉइंट की क्या थी, एक्स की वैल्यू दूसरे पॉइंट की थ्री यू नो 0.2.3 kg। सो मैंने इधर 2.3 kg पुट करना है, एम की वैल्यू वही रहेगी, सी की वैल्यू वही रहेगी, आपके पास एक नंबर आएगा, आपके पास जो एक्चुअल वाई था वाई एक्चुअल वाई क्या था मेरे पास 1.9 kg 1.9 inches था, 1.9 से उसको माइनस करना है, एक वैल्यू आएगी, उसको स्क्वेयर करेंगे, वो वैल्यू बेसिकली 0.4 है। इसी तरह तीसरे पॉइंट के लिए भी आपने सेम स्टोरी रिपीट करनी है, यानी एम और सी के फिक्स पैरामीटर, यानी एम का तो पैरामीटर मैंने पहले फिक्स ले लिया था, सी को अगर मैंने जीरो अज्यूम किया अब जो मेरे पास लाइन आई है मैंने कम्बिनेटोरियल उसका एरर निकाला तीनों के तीनों पॉइंट्स के साथ, और वो तीनों के तीनों पॉइंट्स के साथ एरर क्या आया, पहले पॉइंट का एरर प्लस दूसरे पॉइंट का एरर प्लस तीसरे पॉइंट का एरर स्क्वायर एरर, और वो मेरे पास टोटल लेट्स से 3.1 एक नंबर आ गया। अब मैंने क्या किया जी, अब मैंने किया ये कि एक वाई एक्सिस और वाई एक्स एक्सिस का एक ग्राफ बनाया, एक्स एक्सिस पे मैं कहूंगा कि ये सी की मेरे पास पॉसिबल वैल्यूज हैं यानी इंटरसेप्ट की, और मैंने कहा कि ये जो सारा काम मैंने किया था ये मैंने सी की वैल्यू को जीरो अज्यूम किया हुआ था, ठीक है, यानी यहाँ पर जो सी की वैल्यू थी वो जीरो थी। अच्छा सो सी की वैल्यू जब जीरो थी तो अब मेरे पास ये जो एरर आया वो 3.1 है, वो मैंने इधर मार्क कर लिया, ठीक है, यानी सम ऑफ स्क्वेयर्ड रेसिडुअल्स मेरे पास सम ऑफ स्क्वेयर्ड एरर आया। अच्छा अब मैंने क्या किया, अब मैंने सेम स्टोरी रिपीट की सी की वैल्यू को चेंज करके, यानी मैंने अब कहा कि अच्छा ये तो ये वाला जो एरर था ये बेसिकली इस वाली लाइन का था जो कि ओरिजिन से गुजर रही थी, अब मैं सी की वैल्यू को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। माइंड यू एम की वैल्यू कांस्टेंट है मेरे पास, एम की वैल्यू यानी मैंने स्लोप फिक्स किया हुआ, यानी मैं लाइन का स्लोप चेंज नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि स्लोप फिक्स रहे, सी की वैल्यू को अगर मैं यू नो बढ़ाऊँ थोड़ा सा तो हो सकता है ये दूसरी वाली लाइन आ जाए, ये दूसरी वाली लाइन आए तो यू नो उसका अगर आप एरर देखेंगे तो पिछले वाले के मुकाबले में कम होगा, लेट से वो एरर ये है। इसी तरह ये जो तीसरी लाइन है मैं स्लोप को मजीद बढ़ाऊं अगर यू नो वाई की वैल्यू को सी की वैल्यू को इंक्रीज करूं और तीनों पॉइंट्स के लिए यू नो जो इंडिविजुअल डिफरेंस आ रहा है तीनों पॉइंट्स का उसको स्क्वायर करके ऐड करूं तो मेरे पास एक और नंबर आएगा, वो नंबर बेसिकली ये वाला है तीसरी लाइन के लिए, इसीलिए इसी तरह चौथी लाइन के लिए इसी तरह पांचवी लाइन के लिए। सो 1 2 3 4 5 ये जो लाइन है ना अगर आप देखेंगे जो पांचवी लाइन है इसके लिए जो एरर था वो ये वाला पॉइंट है जो कि सबसे कम आएगा, मजीद अगर आप आगे जाएंगे तो यू नो जैसे ऐसे आप इस लाइन से यानी इन तीनों पॉइंट्स से डेविएट करते जाएंगे वैसे वैसे आपके पास एरर दोबारा से इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। सो ये बेसिकली ये जो प्लॉट आ रहा है ये
हमने अभी तो जिस तरह ए के लिए निकाला था, हमने सेम प्रोसीजर रिपीट करना है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सी। और फिर क्या करना है, वेल अब तो भी बेसिकली अगर आप ये देखेंगे तो ये स्क्वेयर्ड जो एरर है ये बेसिकली इसी तरह का प्लॉट है जिस तरह के हमने इधर देखा था, ठीक है। यानी ये जिस तरह का ये प्लॉट आ रहा था, मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज थी एक्स की और मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज थी वाई की। अब बेसिकली इसी तरह का प्लॉट आ गया है कि मेरे पास एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट है और ये ग्राफ मुझे ये कह रहा है कि जैसे जैसे मैं इंटरसेप्ट की वैल्यू यानी सी की वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, वैसे वैसे मेरे पास जो लॉस था टोटल कम्बिनेटोरियल लॉस तीनों के तीनों पॉइंट्स पे, या यूं कहें कि आपके ट्रेनिंग सेट पे जितनी भी एग्जांपल्स थी, इस वक्त मेरे पास तीन एग्जांपल्स थी मगर ये कि कम्बिनेटोरियल एम एग्जांपल्स पे जो लॉस था वो मेरे पास जैसे जैसे मैं इंटरसेप्ट को बढ़ाता हूँ वैसे वैसे मेरे पास इस तरह चेंज हो रहा है। अच्छा ठीक है जी। अब तो सबसे पहले तो हम कर क्या सकते हैं, वेल वही सेम काम के मैं देखूं ये कि यू नो डेरिवेटिव लूं इसका, यानी ये जो लॉस फंक्शन आया, ये लॉस फंक्शन क्या किस तरह आया था, वेल लॉस फंक्शन इस तरह आया था कि मैंने जो ओरिजिनल वैल्यू थी जो भी वाई की वैल्यू थी किसी भी एक पॉइंट पे, जो कि फॉर एग्जांपल यू नो मेरे पास ये तीन पॉइंट्स थे, ये तीसरे पॉइंट की वाई की वैल्यू है, ये दूसरे पॉइंट की वाई की वैल्यू है, ये मेरे पास पहले पॉइंट की वाई की वैल्यू है, मैं इस इन वैल्यूज को माइनस करता था जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज हैं उनसे, ठीक है। सो ये मेरे पास प्रिडिक्टेड वैल्यूज थी और ये प्रिडिक्टेड वैल्यू कैसे आती थी, ये मेरे पास यू नो एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन से आती थी। सो ये प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या होती थी, ये प्रिडिक्टेड वैल्यू जो होती थी वाई हैट या वाई टिल्डा ऑफ आई, ये मेरे पास इसी तरह आती थी कि मैं एम और सी की जो वैल्यूज होती थी, एम को मैंने फॉर एग्जांपल 0.64 अज्यूम किया होता कांस्टेंट है, सी की वैल्यू को मैं चेंज करता जाता था, मगर किसी भी एक पॉइंट के लिए मैंने अगर यू नो सी की जीरो की वैल्यू मतलब सी इज़ इक्वल टू जीरो के लिए अगर मैंने एरर निकालना था तो मैं सी इज़ इक्वल टू जीरो एम इज़ इक्वल टू 0.64 इधर अज्यूम करता था और वाई आई एक्स आई मेरे पास यू नो तीन पॉइंट्स हैं, वो तीन पॉइंट्स मैं इधर डालता था तो और मैं इसके बाद सम कर देता था तमाम के तमाम एरर्स को तो मेरे पास एक एरर निकल आता था। So, ये जो एरर है मेरे पास इसको अगर आप यू नो डेरिवेटिव लें और डेरिवेटिव क्या करना है, मैंने अब ये एरर मेरे पास यू नो दिस ये जी एक्सिस और ये मेरे पास सी है, सो ये जी एक्चुअली सी का फंक्शन है, यानी मैं जो इंटरसेप्ट उसमें चेंज करता हूँ तो मेरे पास यू नो लॉस फंक्शन जी में चेंज आता है। सो अब मैंने z को यानी जो लॉस फंक्शन है उसको डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू c, यानी मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर मैं c में चेंज करूँ यानी इंटरसेप्ट में चेंज करूँ तो मेरे पास ये जो लॉस फंक्शन है z इसमें किस तरह चेंज आता है। सो इसका मतलब ये कि मैं अब इसमें यू नो dz बाय dc अगर करूँ, सो विद रिस्पेक्ट टू c अगर मैं इस क्वान्टिटी को मैंने डेरीवेट करना हो, सो वो बेसिकली होगा ये कि ये सारी चीज सारी एक्सप्रेशन टू इधर आ जाएगा, ठीक है। सो टू इधर आ गया, ये सारी की सारी एक्सप्रेशन वैसे आ गई मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ माइनस सी और यू नो डी बाय डी सी ऑफ माइनस सी आपके पास माइनस वन आएगा, यानी माइनस सी को अगर आप डेरिवेटिव करना चाहेंगे विद रिस्पेक्ट टू सी तो माइनस वन, वो माइनस वन इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है तो माइनस टू आ जाता है, ठीक है। सो और ये सम यानी डेरिवेटिव के ऑपरेशन का रिलेटिव है, सो ये सम के अंदर भी जाके डेरिवेटिव होता है। सो ये आपके पास बेसिकली z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू c आपके पास ये आ जाएगा। अच्छा अब वेल एक तो बड़ी सो ये तो डेरिवेटिव हो गया, अब तो एक तो इसकी सादा सारी एग्जांपल ये है कि मैं वही एनालिटिकल एक्सप्रेशन जो थी मैं वो काम करता हूँ और वो काम क्या है, मैं कहता हूँ कि इस डेरिवेटिव को तुम यू नो इक्वेट कर दो जीरो पे। सो ये डेरिवेटिव आया, मैंने इसको इक्वेट कर दिया जीरो पे और उसके बाद मैंने क्या निकालना है, मैंने बेसिकली सी की वैल्यू निकालनी है, यानी सी की वो कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए जी मिनिमम होगा। तो वो जो एक्सप्रेशन था डी जी बाय डी सी मैंने यानी डेरिवेटिव निकाला जी का विद रिस्पेक्ट टू सी और उसके बाद मैंने इसको इक्वेट कर दिया जीरो पे और अब मैं सी की वैल्यू निकालू, वो सी की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, वैली एक्सप्रेशन थी मैंने इसको खोल, तो पहली बात तो ये कि माइनस टू यू नो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके जीरो से डिवाइड हो जाएगा, जीरो डिवाइड बाय एनीथिंग इज जीरो, सो माइनस टू का तो इफेक्ट कैंसिल हो गया। अब उसके बाद ये जो दो एक्सप्रेशन थी जिसमें वाई आई और एक्स आई आर था मैंने उसको साइड पे कर लिया और सी को मैंने यू नो साइड पे कर लिया। अच्छा और ये जो मेरे पास पॉइंट्स थे बेसिकली यू नो ये मैंने देखा था कि मेरे पास तीन पॉइंट्स थे, ठीक है। सो आई बेसिकली रेंजेस फ्रॉम 1 टू 3, सो यू नो अगर मैं तीन दफा
सम कर रहा हूँ किसी भी एक स्केलर को, तो वो इसका मतलब ये कि मैं उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। और बाकी जो वाई आई माइनस एम एक्स आई, एम मैंने मैंने फॉर द टाइमिंग अज्यूम किया हुआ है कि मेरे पास कांस्टेंट है जो कि यू नो 0.64 है, यानी मैंने स्लोप कहा हुआ है कि मेरे पास कांस्टेंट है। सो अब आपके पास वाई आई एक्स आई क्या है, यू नो ये तीन पेयर्स हैं, तो आपके पास तीन पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब ये कि आपके पास तीन पेयर्स गिवन है। अब आप बेसिकली माइनस थ्री सी को उधर ले जाएं, सो थ्री सी इधर आ जाएगा और सी बेसिकली दिस फैक्टर डिवाइडेड बाई थ्री। तो आपके पास अगर ये आप सारी की सारी यू नो जो सेम नंबर्स हमने लिखे हुए इसको खोलेंगे, यानी एक्स आई और वाई आई, एक्स वन वाई वन भी पता है मुझे, एक्स टू वाई टू भी पता है, एक्स थ्री वाई थ्री भी पता है और एम की वैल्यू भी पता है, तो मैं इस एक्सप्रेशन को अगर खोलूंगा तो इन पास तीन समेशन के फैक्टर्स बनेंगे, वो डिवाइड बाई थ्री करूंगा तो मेरे पास यू नो 0.95 आ जाएगा, 0.9507। सो इसका मतलब ये कि यू नो एक तो बड़ा सिंपल सा तरीकेकार ये है कि मैं जो भी मेरे पास यानी जिस तरह भी चेंज हो रहा था, लेट्स से मेरे पास लॉस फंक्शन एक फैक्टर के साथ साथ, यानी जो कि मेरे पास फॉर द टाइम बीइंग इंटरसेप्ट है, और मैंने ये अज्यूम किया हुआ है कि मेरे पास स्लोप को मैं यू नो फॉर द टाइम बीइंग कांस्टेंट रखता हूँ, तो एक तो उसकी वो इंटरसेप्ट निकालने का एनालिटिकल मेथड है, वो ये कि मैं डेरिवेटिव निकालूँ और मैं कहूँ कि ये जहाँ पे इक्वल आ रहा है जीरो के उस वैल्यू को निकाल लो सी की, और वो वैल्यू कहो कि ये मेरे पास यू नो मिनिमल वैल्यू है। अच्छा, अब उसके साथ साथ हम अप्रोक्सीमेट मेथड भी देख लेते हैं। सो एक तो एनालिटिकल मेथड हो गया, ये वही सेम ग्रेडियंट डिसेंट है और ये बेसिकली अप्रोक्सीमेट मेथड है। अच्छा, अब मैंने इसमें क्या करना है, वेल मैंने सेम काम करना है, मैंने डेरिवेटिव लेना है, उस डेरिवेटिव को स्टार्ट करना है मैंने किसी भी एक पॉइंट से, लेट्स से मैं जीरो से स्टार्ट करता हूँ, मैंने उस डेरिवेटिव को एट जीरो इवेलुएट करना है, एम की वैल्यू 0.64 हर जगह कॉन्स्टेंट है, सी की वैल्यू लेट्स से मैंने जीरो से स्टार्ट की, मैंने बेसिकली ये एक्सप्रेशन निकाली तीनों के तीनों पॉइंट्स के लिए, यानी डेरिवेटिव एट यानी लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव जो विद रिस्पेक्ट टू सी आते हैं उसकी एक्सप्रेशन तो ये है। अब मैंने ये देख लिया कि अगर तुम्हारे पास c इज इक्वल टू 0 हो और m इज इक्वल टू 0.64 हो तो मेरे पास डेरिवेटिव की क्या वैल्यू आती है, ठीक है, यानी बेसिकली डेरिवेटिव मैंने निकालना था, वो जो अगर याद हो कि डेरिवेटिव एट सम स्पेसिफिक पॉइंट, यानी और इस केस में मेरे पास पॉइंट क्या है, एट स्पेसिफिक इंटरसेप्ट, यानी मैंने डेरिवेटिव निकालना है लॉस फंक्शन का एट स्पेसिफिक पॉइंट x नॉट या एट स्पेसिफिक इंटरसेप्ट पॉइंट c, जो कि इस केस में हमारे पास 0 है। सो 0 पे मेरे पास जो ये एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू आती है लेट्स से -5.7, ठीक है, और लर्निंग रेट मैंने 0.1 लिया हुआ है, सही है। सो अब मेरे पास जो मतलब -5.7 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया, अब मेरे पास एक नई वैल्यू आ गई, ये बेसिकली मैंने इसमें इतना एडिशन करना है, ठीक है, और एडिशन से मुराद ये कि ये तो मैंने -0.57 बेसिकली यू नो ये तो माइनस है, मगर ये कि एक्चुअल पॉइंट में जो मेरे पास जीरो था मैंने नेगेटिव ग्रेडियंट जाना है, तो बेसिकली जीरो में मैं 0.57 ऐड करूंगा। सो जीरो में मैं 0.57 ऐड करूंगा, तब मेरे पास यू नो एक नया पॉइंट आ जाएगा जो कि ये वाला पॉइंट है जो कि 0.57 है। सेम मैंने काम ये किया, अब मैंने सेम रिपीट किया, ये जो एक्सप्रेशन थी इसको मैंने 0.57 के लिए इवेलुएट किया, अगेन स्लोप कॉन्स्टेंट है मेरे पास और सी की वैल्यू अपग्रेड हो गई थी 0 से 0.57 पे, ठीक है। सो अब मैंने सेम प्रोसीजर रिपीट किया, मेरे पास एक नया इंटरसेप्ट आया जो कि मुझे ये कह रहा है कि अब आपने यू नो -2.3 है तो लर्निंग डेट से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, सो लर्निंग डेट मेरे पास था 0.1, सो -2.3 जब 0.1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.23 बन आ जाएगा। सो अब मैंने बेसिकली -0.23 यानी जो -0.23 था उसके नेगेटिव डायरेक्शन यानी 0.57 में मैं 0.23 ऐड करूंगा, अब मेरे पास 0.8 आ जाएगा और 0.8 पे अब मैं कहूंगा कि अच्छा जो मेरे पास नई स्लोप की वैल्यू आई है सॉरी नई इंटरसेप्ट की जो वैल्यू आई है वो मेरे पास है 0.8। और अगेन मैं जब भी ये पॉइंट निकालूं तो मैं यू नो बाय डिफॉल्ट अज्यूम ये करूं कि मैंने ये चेक कर लिया कि इस वाले पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू थी वो पिछले पॉइंट से कम थी, इसी तरह 0.8 पे जो फंक्शन की वैल्यू है ऑब्वियसली अगर आप 0.8 पे स्लोप की वैल्यू इधर डालेंगे, ये जो ओरिजिनल आपके पास लॉस था तो वो 0.8 अगर सी की वैल्यू 0.8 हो तो उसकी वैल्यू कम आनी चाहिए बनस्बत सी की वैल्यू अगर 0.57 थी, ठीक है। सो अगर इधर सी की वैल्यू 0.57 डालेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास जी ऑफ सी की वैल्यू ज़्यादा आएगी बनस्बत उस वक्त के अगर आपके अगर आप 0.8 इधर डालें और फिर आप देखें जी ऑफ सी की क्या वैल्यू आती है, ठीक है जी। सो इस तरह आप करते जाएंगे और आप अगर तो 6 स्टेप्स जब आप ले लेंगे तो आपको पता चलेगा कि यू नो आपके पास
जो एस्टिमेट था वो तकरीबन उतना ही आ गया जितना कि आपके पास एनालिटिकल मेथड कहता था। ये एनालिटिकल मेथड मुझे कह रहा था कि 0.9507 इस फंक्शन की मिनिमल वैल्यू है, मगर अगर मैंने ये काम किया अप्रोक्सीमेट मेथड करता गया तो मेरे पास पाँच छः छः स्टेप्स के बाद मैं तकरीबन उसी सोल्यूशन में पहुंच जाता हूँ जो कि मेरे पास एनालिटिकल मेथड कह रहा है। अच्छा जी, सो अभी तक तो जो स्टोरी थी वो ये थी कि मैं मेरे पास एक पैरामीटर है, यानी ये जो लाइन है बेसिकली, वैसे तो लाइन के दो पैरामीटर्स होते हैं, मगर मैंने कहा था कि भाई अब भाई हम ऐसा करते हैं कि एम को फिक्स कर लेते हैं 0.64 पे और सिर्फ देखते ही हैं कि लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सी यानी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट मेरे पास कैसे चेंज हो रहा है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई मुझे सिर्फ ये ना बताओ बल्कि मुझे ये भी देखो कि ना सिर्फ इंटरसेप्ट बल्कि कैसे कैसे मैं यानी एम की वैल्यू और सी की वैल्यू दोनों को साथ साथ चेंज करूं और फिर मैं देखूं कि दोनों को साथ साथ चेंज करके इफेक्ट क्या आता है इसका, ठीक है। तो अब मेरे पास जो फंक्शनल फॉर्म थी यानी जो एरर था वो मेरे पास वो इस तरह का दिखाई देता है कि ओरिजिनल वैल्यू माइनस जो भी एस्टिमेटेड वैल्यू आई है यूजिंग दोस पैरामीटर्स एम एंड सी। अच्छा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे बेसिकली इस फंक्शन को यानी इसमें तो पहले एम कांस्टेंट था, अब मेरे पास ना सिर्फ मैंने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू सी जो कि हमने पहले देख लिया था कि किस तरह क्या आता है, बल्कि मैंने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एम। और जब मैं नई एम की वैल्यू निकालूंगा तो मैं उसमें जो डेरिवेटिव यूज करूंगा वो पार्शियल डेरिवेटिव होगा ऑफ लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एम इवेलुएटेड एट एट सम प्रीवियस इन एस्टिमेट एम हैट एंड सी हैट। इसी तरह मैं सी की वैल्यू को जब अपडेट करूंगा तो मैं कहूंगा कि अच्छा पुरानी वैल्यू जो है सी की उसको अगेन नेगेटिव हो तो ग्रेडियंट पे रिमूव करो, मगर वो ग्रेडियंट मेरे पास बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव होगा लॉस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू सी। यानी अब बेसिकली मैंने जो पैरामीटर्स अपडेट करनी है वो मैंने एम जो एक नंबर है स्लोप उसको सेपरेटली अपडेट करना है और सी को मैंने सेपरेटली अपडेट करना है। और ये डेरिवेटिव हमने देख लिया था कि डेरिवेटिव ऑफ दिस लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सी क्या आता है, ठीक है। वो मैंने कहा था कि ये इधर टू इधर चला जाएगा और माइनस सी का डेरिवेटिव -1 आता तो इसलिए -2 हो जाएगा। लाइकवाइज अगर मैं इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एम डेरिवेटिव निकालूं सो टू सेम मतलब अंदर वाला फैक्टर सेम रहेगा और उसके बाद जो विद रिस्पेक्ट टू एम डेरिवेटिव आएगा इसका यानी इस टर्म का सो वो आएगा बेसिकली -xi। सो -2xi आना चाहिए। ये इसमें टाइपो है। सो इस एम के बजाय यानी यहाँ पे जो आप m देख रहे हैं इसके बजाय अगर आप देखें तो आपके पास बेसिकली इस अंदर वाली टर्म का यानी इसके यानी ये जो ब्रेसिस के अंदर वाली टर्म है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m अगर मैं लूँ तो ये कांस्टेंट है जीरो, ये कांस्टेंट है जीरो, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m मेरे पास -xi आएगा, ठीक है। सो माइनस तो इधर आ गया मगर ये m की जगह xi होना चाहिए। सो ये टाइपो है, मैं इसको अभी सही करके अपलोड कर देता हूँ। सो ये बेसिकली आपके पास आएगा डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू m। अच्छा, अब आपने क्या करना है, वेल अब आपने करना ये है कि इस dz बाय dm की जगह ये वाली वैल्यू ये वाली एक्सप्रेशन आ जाएगी, ठीक है। अब आपके पास m और c की कोई ना कोई वैल्यू होंगी। लेट से आपके पास m c की वैल्यू आपने जीरो जिस तरह हमने यहाँ पे स्टार्ट की थी ना कि मैंने कहा था कि भाई c की वैल्यू जीरो से स्टार्ट करो, इसी तरह अब मैं कहूंगा कि नहीं भाई c की वैल्यू जीरो से स्टार्ट करो, m की भी कोई ना कोई एक स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। सो लेट से मैं कहता हूँ कि m की वैल्यू 0.45 है, ठीक है, स्टार्टिंग वैल्यू, और सी की वैल्यू जीरो है। सो अब आपने किया ये कि एम की वैल्यू को स्टार्ट किया 0.45 से, सी की वैल्यू को स्टार्ट किया जीरो से, इन दोनों एक्सप्रेशन में वाई आई एक्स आई आपके पास पता है आपको तीन पॉइंट्स हैं, एम की वैल्यू भी आपको पता है, सी की भी वैल्यू आपको आपको पता है, आपने ये दोनों डेरिवेटिव वैल्यूएट किए एट सी इज इक्वल टू जीरो एंड एम इज इक्वल टू 0.45। एक ना एक लर्निंग रेट है, आपने लर्निंग रेट आपके पास लेट से 0.1 है, आपने प्रीवियस वैल्यू एम की देखी 0.45 माइनस लेट से पॉइंट गामा की वैल्यू 0.1 है, सो 0.45 माइनस 0.1 मल्टीप्लाई बाय ये जो सारी की सारी एक्सप्रेशन आ रही है
इसमें अगर आप यू नो एक्स आई वाई की वैल्यू पता है, आप एम की वैल्यू को 0.45 अज्यूम करें और सी की वैल्यू को 0 अज्यूम करें, आपके पास एम की नई वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह सी की भी वैल्यू आएगी आपके पास, इसमें बस एक्सप्रेशन आप ये वाली लेंगे, यानी जो पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू सी आप वो वाला इधर लेंगे, और सेम जो एम की वैल्यू थी यू नो 0.45, सी की वैल्यू थी 0, इनिशियल जो स्टार्टिंग वैल्यूज थी आपने वो दोनों इस एक्सप्रेशन में डाली, जो फाइनल आपके पास एक फैक्टर आया आपने उसको 0.1 से मल्टीप्लाई किया और माइनस कर दिया, सी ऐड कर लिया उसमें, तो आपके पास नई वैल्यू आ गई सी की। अब आपने देखना ये है कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो ये जो एम हैट और सी हैट नए आए, नए पॉइंट मतलब ये जो दोनों नए पॉइंट्स आई हैं, अगर मैं उनको इधर डालूं तो जी की वैल्यू पिछले पॉइंट्स के मुकाबले में यू नो ज्यादा मतलब कम आती है कि नहीं। अगर तो कम आ रही है फिर तो ठीक है, अगर ज्यादा आ रही है तो फिर आपने लर्निंग रेट पॉइंट यानी जो गामा की वैल्यू है उसको 0.1 से मजीद कम करना होगा। ठीक है जी, सो ये 2D में भी बिल्कुल वही प्रोसीजर है, बस फर्क ये है कि यहाँ पर मेरे पास डेरिवेटिव जितने यानी जितने पैरामीटर्स होंगे उतने डेरिवेटिव्स होंगे, और स्टार्टिंग पॉइंट आपके पास एक यानी एक पेयर होगा और हर पेयर सेपरेटली अपडेट होता जाएगा। और अगेन अपडेट करने से पहले आपने देखना ये कि ओरिजिनल जो लॉस था, जो वाई एक्सिस पे मेरे पास लॉस है, उसकी वैल्यू जो नए एम और सी आए हैं उन पर कम भी हो रही है या नहीं। अगर तो कम नहीं हो रही तो फिर आपने जो आपके पास लर्निंग रेट है उसको कम करते जाना है, तो और अगर तो किसी भी दो आइट्रेशंस के दरमियान या यूं कहें कि लर्निंग रेट यू नो एक स्पेसिफिक नंबर से एक स्पेसिफिक पोर्शन से, लेट्स से यू नो आप कहते हैं कि 1/10,000 मिनिमम नंबर है जिससे लर्निंग रेट अगर कम हो जाए तो मैं एल्गोरिथम को अपना बंद कर दूंगा। सो इस तरह आप बेसिकली दोनों के दोनों पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और सेम स्टोरी अगर मैं चाहूँ तो मैं मजीद यानी जितने मर्जी पैरामीटर्स हों ग्रेडिएंट डिसेंट की बेसिक फंक्शनिंग इसी तरह चलेगी। ठीक है जी, सो अब रजिस्ट्रेशन का टॉपिक है, इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह।